साल 2023 का आज 1 जनवरी से आगमन हो गया है। नए वर्ष के आगमन पर बालाघाट नगर की नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने नगरवासियों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नए वर्ष का आगमन स्वच्छता स्वस्थता के संकल्प के साथ करें। उन्होंने कहा कि नए वर्ष में हम 5 सितंबर को गौरव दिवस के रूप में बालाघाट दिवस प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प लेंगे। इसी दिन अब बालाघाट नामकरण दिवस मनाया जाएगा, जबकि पहले 31 दिसंबर को बालाघाट दिवस मनाने की परंपरा चली आ रही है। अंग्रेजी शासनकाल की बनाई हुई परंपरा को खत्म करने की कोशिश की है। अंग्रेज अफसरों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार पश्चिमी शैली में 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन जश्न मनाने का दिन चुना था। 1897 में जिले का नामकरण हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि अब भारतीय परंपरा के अनुसार बालाघाट का गौरव दिवस मनाया जाए। 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इस दिन हमारे आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन बीते अनेक वर्षों से शिक्षकों का सम्मान भी करते आ रहे हैं। इस दिन अब सांस्कृतिक खेल और अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर पूरे 1 सप्ताह तक एक महोत्सव की तरह मनाया जाएगा। हमारे सभी बालाघाट वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आइए नव वर्ष में हम सब मिलकर शुभ संकल्प लें कि हम ग्रीन बालाघाट, क्लीन बालाघाट, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। नगरपालिका परिवार हमेशा आपके साथ है, आप भी हमेशा हमारे सहयोगी बनिए। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की थीम में काम करते हुए हम अपने शहर को विकास की दिशा में अग्रसर करें। उन सभी बातों से बचें जो कि हमारे शहर को अस्वस्थ बनाते हैं, अस्वच्छ बनाते हैं, और हम अपने बच्चों के लिए भी ये संकल्प लें कि उन्हें ऐसे गैजेट्स से दूर रखें जिनका अननेसेसरी वो उपयोग करते हैं। नशा मुक्ति के लिए भी हम शुभ संकल्प लें कि सभी लोगों को अवेयर करें कि वो किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन ना करें और उन सभी नशा युक्त पदार्थों से बचें जो कि हमारा भविष्य खराब कर सकता है। आपको पुनः नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं।